नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो विद ट्रैवलर्स। दोस्तों, भारत में ऐतिहासिक स्थलों की कमी नहीं है। यहां एक से बढ़कर एक महल और किले हैं जो देखने के लायक हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और किले और महलों को देखने का शौक है तो आपको राजस्थान जरूर जाना चाहिए। इस राज्य में कई पहाड़ी किले हैं, जिनमें से एक है कुंभलगढ़ का किला। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले को अजयगढ़ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना किसी भी राजा के लिए बेहद ही मुश्किल काम था। करीब 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इस किले से आप थार रेगिस्तान के सुंदर दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले एक बार इस किले की सैर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस किले से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर एक, इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नंबर दो, कुछ विद्वानों के नजरिए से देखा जाए तो इस किले को राणा कुंभा के द्वारा नहीं तैयार करवाया गया था, बल्कि लोगों के अनुसार यह किला 15वीं शताब्दी के पहले से ही मौजूद था। सबूतों के अंतर्गत प्रारंभिक किले का निर्माण मौर्य काल में 6ठी शताब्दी में हुआ था और इसका निर्माण करवाने वाले राजा का नाम था संप्रति। नंबर तीन, राजा संप्रति ने इस किले का नाम मनचंद्रपुर रखा था, जिसे बाद में कुंभलगढ़ कर दिया गया। नंबर चार, इस किले को बनाने में 15 साल का लंबा समय लगा था। नंबर पाँच, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 16वीं शताब्दी के महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। कुंभलगढ़ का यह किला मेवाड़ के प्रतापी शासकों के संघर्ष का साक्षात गवाह है। नंबर छह, आप शायद ही ये बात जानते होंगे कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किले में ही है, जिसकी लंबाई लगभग 38 किलोमीटर है। इस वजह से इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दीवार को भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर सात, अरावली पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर खड़े इस किले को मेवाड़ किले के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले के अंदर लगभग 360 हिंदू और जैन मंदिर है जो देखने के लायक है। कुंभलगढ़ किले के चारों ओर 13 पर्वत शिखर है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। नंबर आठ, जब किले के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी तब इसे बनाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसकी जो दीवार बनाई गई थी वह पूरी बनने से पहले ही गिर गई थी और फिर एक साधु की सलाह पर एक मानव बलि दी गई थी। नंबर नौ, जिस व्यक्ति की बलि दी गई थी उसका नाम मेहर बाबा था। मेहर बाबा की बलि देने के लिए उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और सिर जहां पर जाकर रुका वहीं पर ही मंदिर का निर्माण करवाया गया, और जहां पर धड़ जाकर गिरा वहां से ही दीवार का काम शुरू किया गया था। नंबर 10, किले के नीचे काम करने वाले किसानों तक रोशनी पहुंचाने के लिए राणा कुंभा अपने पास मौजूद बहुत सारे तेल के लैंप का इस्तेमाल करते थे और इसे वह हर शाम को जला देते थे ताकि किसानों तक रोशनी पहुंच सके। नंबर 11, इस किले का निर्माण काफी मजबूती से किया गया था, साथ ही इसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी थे, इसलिए कई बार हमला होने के बावजूद भी कुंभलगढ़ किसी के हाथ नहीं आया। नंबर 12, इस किले पर कई आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, इसके अलावा अकबर, मारवाड़ के राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह और गुजरात के मिर्जा ने भी इस किले पर भयंकर आक्रमण किए। साल 1458, 1459 और 1467 में महमूद खिलजी ने भी इस किले पर आक्रमण किया, परंतु किले को जीतने से वह नाकामयाब रहा। नंबर 13, अहमद शाह इस किले में बने माता मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गया था, परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि किले में मौजूद देवताओं ने किले को अन्य नुकसान होने से बचाया था। नंबर 14, कुंभलगढ़ के किले को सिर्फ एक ही लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था और उसके पीछे की वजह थी पानी की कमी का होना। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई में 3 बागवानों ने धोखाधड़ी की थी। उस लड़ाई में शाहबाज खान ने किले को अपने कंट्रोल में कर लिया था। शाहबाज खान अकबर का सेनापति था। नंबर 15, साल 1818 में मराठों ने भी कुंभलगढ़ के किले पर कब्जा करने में सफलता हासिल की थी।
तो दोस्तों ये थी कुंभलगढ़ के किले के बारे में कुछ अहम जानकारी। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आगे आप किस राज्य और शहर के बारे में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।